नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और आज मैं लॉरेंस रोड केशवपुरम 6-4 की जो झुग्गियां है, जहां 10 तारीख को बुलडोजर चलाया गया था, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ झुग्गियां गिरी हुई हैं और कुछ झुग्गियों को खड़ा किया जा चुका है। आज हम झुग्गी बस्ती से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच में अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश जारी हुआ, राजधानी दिल्ली की 48,000 झुग्गियों को तोड़ने का जो हमने हिसाब लगाया कि भौतिक तौर पर सर्वे होगा तो झुग्गियां 60,000 से ज्यादा बैठती है, उनको तोड़ने का आदेश जारी हुआ था। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बोल नहीं निकला, विवश होकर के हम सड़क पर उतरे। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, राजधानी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास का कानूनी तौर पर क्या अधिकार है, वो क्या कारण है एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोलने के लिए? सबसे बड़ा पुख्ता आधार हमारे पास है, राजधानी दिल्ली में 2000 में जब अवैध क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को सील करने का जो प्रचलन शुरू हुआ था, उसके खिलाफ तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी की अगुवाई में हम सब लोग, मेरे साथ में लघु उद्योग मंच के केसरी सिंह से लेकर के और फेडरेशन के पदाधिकारियों तक और सीपीएम सीपीआई से लेकर सोशलिस्ट पार्टी के सांसद भी सड़क पर उतरे थे, क्योंकि लाखों लाख मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल था और छोटे मोटे उद्योग चलाने वालों की आजीविका का सवाल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश भी एमसी मेहता की पिटीशन पर फाइल हुआ था, जिस पर हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और 22 औद्योगिक क्षेत्रों को, औद्योगिक इकाइयां जहां पर ज्यादा थी उनको मास्टर प्लान 2021 में औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिलाने में हमने कामयाबी हासिल की। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ, राजधानी दिल्ली में नियमितीकरण की सूची में शामिल पाल कॉलोनी जो रिठाला में है, वहां से लेकर बुद्ध विहार की 10 और कॉलोनियों को गिराने का ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट कमिश्नर राकेश खन्ना की रिकमेंडेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था 2007 में, तब उन कॉलोनियों को बचाने के लिए हमारे साथ में मेधा पाटकर जी पहुंची थी और हमने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कराते हुए दिल्ली में उन कॉलोनियों को बचाने का सफलता हासिल किया। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, तब वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे। और आज सुप्रीम कोर्ट में अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में दिल्ली के 48,000 से ज्यादा जिन झुग्गीवासी परिवारों को बेदखल और बेघर करने का जो आदेश जारी हुआ, हमने तत्काल ऐलान किया था हम इसे नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि तीन बड़े कारण हैं। 2008 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2009 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 2009 में तब राजधानी दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के लिए विशेष बिल पारित किया गया था संसद के अंदर, और उस बिल में बड़ा साफ प्रावधान है कि पुनर्वास के बगैर किसी भी कीमत में राजधानी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को नहीं हटाया जाएगा। 2009 में संसद में पारित विशेष बिल, उसके अलावा हमारे दिल्ली में कृषि पॉलिसी में 2015 तक आबाद झुग्गी बस्तियों को पास करने का, और तीसरा बड़ा आधार 2019 का वो फैसला जो सकुर बस्ती के 5,000 बेघर लोगों के लिए जो 2015 में जिनके घर गिराए गए थे, जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत साफ साफ कहा था। मैं ये मानता हूँ देश और दुनिया में न्याय होता नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए। जस्टिस मुरलीधर की बेंच का वो फैसला, मैं ये मानता हूँ न्याय दिखता भी है। जस्टिस मुरलीधर ने बहुत साफ कहा था किसी भी कीमत में झुग्गी बस्तियों को उनसे उनकी तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक ऐसी झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास की पूरी व्यवस्था कायम नहीं हो जाती। और दूसरी बात ये कही गई है कि जब पुनर्वास की पूरी व्यवस्था हो जाए फिर सरकार के विभाग झुग्गी वासियों के साथ बैठ कर चर्चा करे, संवाद करे और उनको संतुष्ट करे और उनको पूरा मौका दे कि वह अपनी झुग्गी छोड़ करके अपने पुनर्वास स्थल में जा सके। इतना ऐतिहासिक बेहतर फैसला राजधानी दिल्ली के हाई कोर्ट के 2019 में जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने सुनाया था, और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने खारिज कर डाला संसद में पारित 2009 का विशेष बिल। हम ये मानते हैं कि संसद का अपमान किया, तब हम ये मानते हैं कि जस्टिस मुरलीधर का जो फैसला था उसको खारिज किया गया।
2009 में संसद के पारित बिल को खारिज किया गया और जो दूषित की नीति है उस नीति को भी खारिज किया गया। इसलिए हमने ऐलान किया था हम जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच के फैसले को नहीं मानते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ शीशा लॉरेंस रोड की रेलवे बस्ती मर्ग आबाद झुग्गी बस्ती में जहाँ 10 तारीख को अवैध तरीके से रेलवे के पुलिस फोर्स आकर के झुग्गियां गिरा रही थी, 12 13 15 झुग्गियां तक यहाँ गिराई, लेकिन पूरी बस्ती के लोग डटे और उन्होंने आगे कार्रवाई नहीं करने दी। मैं झुग्गी बस्ती वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज लॉरेंस रोड सी चार की झुग्गी बस्ती के साथ खड़ा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ राजधानी दिल्ली के झुग्गी वासियों को। अब राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी जो मुंह पर फेविकोल लगा रखा था ऐलान कर दिया कि पुनर्वास के बगैर हम झुग्गियों को नहीं हटाएंगे। पर एक और बात कही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, कहा कि 5 किलोमीटर के दायरे में झुग्गी वासियों का पुनर्वास का स्थान बनाया जाएगा। मैं आप सब देश के करोड़ों लोगों को साक्षी आपके सामने एक ऐलान करता हूँ, लॉरेंस रोड के C4 की झुग्गी बस्ती का विस्थापन पुनर्वास अरविंद केजरीवाल जी 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं कर दे। मैं भूपेंद्र रावत 5,000 रुपए की नगद पुरस्कार दूंगा अरविंद केजरीवाल जी आपको, ये मैं वादा करता हूँ। मैं कोई राजनेता नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दशकों से आप जानते हैं, मैं 5,000 का पुरस्कार आपको दूंगा। और झुग्गी बस्ती के लोग भी कह रहे हैं कि ये भी 5-5 रुपए का इनाम आपको देने के लिए तैयार है। तैयार है आप लोग? ये सब भी तैयार है यदि आप 5 किलोमीटर के दायरे में पुनर्वास कर दें। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, आप जनता को बताएं, झुग्गी वासियों को बताएं कि MC मेहता की जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने 48,000 झुग्गियों को बेदखल करने का आदेश किया, उसमें आपकी सरकार ने क्या क्या पक्ष झुग्गी वासियों का रखा, ये बात आपको जनता के बीच में रखनी चाहिए। हम दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं, हमको यकीन नहीं है, हमको राजनेताओं की भाषाओं पर यकीन नहीं है, भाषणबाजी पर यकीन इसलिए नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री को ये मालूम ही नहीं है कि C4 लॉरेंस रोड के पास जो झुग्गी बस्ती है इसके पास 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं पुनर्वास के लिए जगह उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, कॉलोनियों के प्रति और इनके घरों के प्रति आपको गंभीर होना चाहिए। मैं दूसरा सवाल आपके सामने ये करता हूँ, इसलिए मैंने कहा ये 5,000 पुरस्कार की बात, और मैं एक और महत्वपूर्ण बात आज करना चाहता हूँ। 48,000 झुग्गी वासी नहीं, करीब 60,000 झुग्गी वासी है। मैं इस बस्ती में जब आया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, झुग्गी वासियों ने कहा कि इनका कोई भौतिक सर्वे बड़े लंबे समय से नहीं हुआ। मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी नर्मदा बचाओ आंदोलन में 18 साल का पुरुष या 18 साल की बालक और बालिका को एक परिवार के रूप में माना गया है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, यदि 18 साल के लोग हैं उन सब का भी आपको सर्वे करना चाहिए ताकि भौतिक तौर पर सर्वे किया जा सके, पता लगाया जा सके कि हकीकत में यहाँ कितने परिवार रहते हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय पारिक जी और उनके मददगार ऋत्विक पारिक जो मदद कर रहे हैं, अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच के फैसले को चुनौती देने का बात कर रहे हैं, हम कोर्ट में मांग करने जा रहे हैं। हमारी मांग बड़ी साफ है, हमारे राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के लिए 2009 का विशेष बिल पारित हुआ था संसद के अंदर, और उसमें बहुत साफ था कि जब तक झुग्गी के बदले उनका पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक झुग्गी को नहीं हटाया जाना चाहिए। यह संसद का अपमान किया गया, इसलिए हम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आवास का अधिकार है। तीसरा, हम कोर्ट इसलिए जाना चाह रहे हैं, आजीविका का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सीवेज का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, और देश के नागरिक का अधिकार है। हमारे दुष्ट पॉलिसी में भी नीति है, और 2019 मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर के बेंच का एक ऐतिहासिक फैसला भी झुग्गी बस्तियों के पक्ष में है। इसलिए आज हम आपके माध्यम से जो हमारे चैनल हैं
सोशल मीडिया के उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करते हैं कि एक तो इनका दोबारा से भौतिक सर्वे किया जाए और जब भौतिक सर्वे के बाद सबके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था कायम की जाए, जब आप भौतिक सर्वे कर ले, कॉलोनी वाले संतुष्ट हो जाए, उसके बाद इनके पुनर्वास की व्यवस्था कायम हो जाए तो पुलिस के लठायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आकर के बैठ के बात कर सकते हैं, लोग झुग्गियों से अपने पुनर्वास स्थल में स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं होंगे। उसमें लाठी डंडे और गोली की बिल्कुल जरूरत नहीं अरविंद केजरीवाल जी, इसलिए मैं आपसे कहता हूं और आपके बाद मैं एक और दावा करता हूं। आपकी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जीते जी एक भी झुग्गी नहीं गिराई जा सकती है, यहाँ 15-16 झुग्गियां गिराई गई है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जिन रेलवे कर्मियों ने, अधिकारी और कर्मचारियों ने अवैध तरीके से लारे 4C4 के रेलवे पटरी के पास झुग्गियों को गिराया है, उन सब के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज आपको कराना चाहिए। वैसे भी मुकदमा दायर दर्ज कराने में आप माहिर हैं, जिस तरीके से आपने तबलीगी जमात के मरकज पर कोरोना को लेकर के मुकदमा बनाया, वो आप भी जानते हैं कि मरकज ने कोरोना नहीं फैलाया और मैं भी जानता हूँ कोरोना नहीं फैलाया, वो आपकी भी क्रोनोलॉजी थी। पर मैं उम्मीद करता हूँ ईमानदारी के साथ में झुग्गी बस्ती में जो घर गिराए गए उनको अवैध तरीके से गिराने वालों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराएंगे, हमारी राजधानी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में भौतिक सर्वे कराएंगे और भौतिक सर्वे कराने के साथ साथ में पुनर्वास के पूरे स्थल विकसित कराएंगे, उसके बाद इनको यहाँ से विस्थापन के लिए कहेंगे, पुनर्वास स्थल पर जाने के लिए कहेंगे। इस बात के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं ये जो बस्ती के लोग मेरे साथ खड़े हैं वो सब भी कहते हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में अगर अरविंद केजरीवाल जी हमारा पुनर्वास स्थल विकसित कर देंगे तो हम सब लोग 5-5 रुपए इनाम देंगे कि नहीं देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं 5,000 रुपए की राशि नगद आपको इनाम के रूप में दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।